हेलो दोस्तों, नमस्कार। भोजपुरी कल्चर की इस यूट्यूब चैनल पर आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे भोजपुरी इंडस्ट्री में कितनी जोड़ियां फेमस हुई हैं। तो जोड़ियों से मतलब ये है कि वो कौन से एक्टर और कौन सी एक्ट्रेस हैं जिन्होंने साथ मिलकर के फिल्में बनाई और वो फिल्में सुपर डुपर हिट रहे। तो आज हम कुछ ऐसी जोड़ियों के बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहली जोड़ी है जो सबसे ज्यादा हिट जोड़ी रही है, वो है दिनेश लाल यादव और अमरपाली दुबे की जोड़ी, मतलब निरहुआ और अमरपाली दुबे की जोड़ी। निरहुआ और अमरपाली दुबे की जोड़ी सबसे बड़ी हिट जोड़ी रही है भोजपुरी इंडस्ट्री की। जब से इस जोड़ी ने साथ में मिलकर के काम किया हुआ है और अभी तक अगर ये साथ में मिलकर काम कर रहे हैं तो वो फिल्म का सुपर डुपर हिट होना तय माना जाता है। अभी इनकी फिलहाल फिल्म आने वाली है, दो फिल्में अभी इनकी आई हुई हैं। एक फिल्म जो कि बड़े भोजपुरी के लिए बड़े गर्व की बात है कि इस फिल्म को PVR जैसे थिएटर में भी रिलीज किया गया है, वो फिल्म है मंडप। और दिनेश लाल यादव निरहुआ और अमरपाली दुबे की ये फिल्म है। इसके बाद जो दूसरी फिल्म आने वाली है वो है फसल। फसल भोजपुरी फिल्म में भी इस जोड़ी ने काम किया है और अच्छा खासा काम किया हुआ है। और फिल्म की कहानी को देखते हुए हमें ये बिल्कुल कोई संदेह नहीं है कि ये फिल्म सुपर डुपर हिट नहीं होगी। फिल्म अच्छी है, आप लोग देखिएगा। और अगर शुरू से बात करें तो निरहुआ रिक्शा वाला, निरहुआ हिंदुस्तानी, मोकामा, पटना से पाकिस्तान, निरहुआ रिक्शा वाला 2, निरहुआ हिंदुस्तानी 2, निरहुआ हिंदुस्तानी 3 की 3 ऐसी भोजपुरी फिल्में हैं। और शायद निरहुआ हिंदुस्तानी 4 की भी शूटिंग इस समय चल रही है, वो लंदन में चल रही थी। और इन सारी भोजपुरी फिल्मों में आपको ये देखने को मिलेगा कि ये सारी भोजपुरी फिल्में सुपर डुपर हिट रही हैं। तो ये एक ऐसी जोड़ी है जो कभी जब भी किसी भी फिल्म में अगर साथ में काम करती है तो लोगों को बहुत पसंद आती है और वो फिल्म सुपर डुपर हिट रहती है। और इसीलिए हम दिनेश लाल यादव निरहुआ को जुबली स्टार भी कहते हैं। और दिनेश लाल यादव खुद कहते हैं कि जितने भी भोजपुरी एक्टर्स और एक्ट्रेस हैं जो कि अपने गानों के व्यूज को लेकर के आपस में लड़ते झगड़ते रहते हैं, दिनेश लाल यादव का कहना है कि आप लोग फिल्में अच्छी बनाइए, लोगों को अच्छा दिखाइए, अच्छे कंटेंट दीजिए, उस पे लेकर के आपका कंपटीशन होना चाहिए, न कि व्यूज को लेकर के जो कि गानों के व्यूज होते हैं। तो आप फिल्में अच्छी बनाइए, लोग देखेंगे, लोग पसंद करेंगे और इससे भोजपुरी इंडस्ट्री बढ़ेगी। अब हम बात करें जो दूसरी सबसे बड़ी जोड़ी रही है, हिट जोड़ी रही है, वो है खेसारी लाल यादव और काजल राघवानी की जोड़ी। खेसारी लाल और काजल राघवानी की जोड़ी ने भी बहुत ही सुपर डुपर हिट फिल्में दी हुई हैं और कई सारी भोजपुरी फिल्मों में इन्होंने काम किया हुआ है। फिलहाल खेसारी लाल और काजल राघवानी की जोड़ी फिलहाल अभी साथ में फिल्में नहीं बना रही हैं, लेकिन हम आशा करेंगे कि फिल्में जल्दी बनाए और फिर वो फिल्में अच्छी तरीके से चलेंगी। अच्छा, जो सबसे बड़ी फिल्म है इस जोड़ी की, खेसारी लाल और काजल राघवानी की, वो फिल्म है संघर्ष। संघर्ष फिल्म को बहुत ही जबरदस्त प्यार मिला हुआ है, बहुत ही जबरदस्त प्यार सम्मान मिला हुआ दर्शकों के द्वारा और ये फिल्म सुपर डुपर हिट रही है। अब जो तीसरी जोड़ी की बात हम करें तो तीसरी जोड़ी जो हमारी है जो हिट रही है वो है पवन सिंह और अक्षरा सिंह की जोड़ी। पवन सिंह और अक्षरा सिंह की जोड़ी ने एक साल में जबरदस्त रिकॉर्ड फिल्में बनाई हुई हैं। जब इनकी जोड़ी बनी थी तो उस समय पवन राजा, सैया सुपरस्टार और भी कई सारी फिल्में जबरदस्त इनकी बनी हुई हैं और वो लगभग सारी फिल्में लोगों ने पसंद भी की हुई हैं। इसके बाद जो दूसरी जोड़ी की बात करें, जो अगली जोड़ी है उस जोड़ी की बात करें तो खेसारी लाल यादव और स्मृति सिन्हा की जोड़ी। जब खेसारी लाल यादव ने शुरू शुरू में भोजपुरी इंडस्ट्री में कदम रखा था तो स्मृति सिन्हा के साथ ही उन्होंने बहुत सारी फिल्में बनाई हुई थी, जैसे साधन चले ससुराल, साधन चले ससुराल 2 और भी कई सारी भोजपुरी फिल्में उन्होंने स्मृति सिन्हा के साथ बनाई हुई थी। तो ये चार जोड़ियां हैं जो कि काफी फेमस रही हैं भोजपुरी इंडस्ट्री में और बहुत सारी भोजपुरी फिल्में इस जोड़ी ने बनाई हुई हैं, जिसमें से बहुत सारी भोजपुरी फिल्में सुपर डुपर हिट रही हैं। और हम चाहते हैं कि आगे आने वाले समय में ये जोड़ियां ऐसे ही फिल्में बनाएं ताकि लोग पसंद करें फिल्मों को और ज्यादा से ज्यादा भोजपुरी फिल्में बने और भोजपुरी इंडस्ट्री इसी तरीके से ग्रो करे।
तो फिलहाल आज की जानकारी बस इतनी ही। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।